नमस्कार, मैं हूं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संभावित कार्रवाई को लेकर अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी है। आयोग अब कभी भी इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले बीते दिन हेमंत सोरेन ने आयोग को प्राथमिक जवाब भेजा है, जिसमें चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब देने के लिए एक महीने का समय मांगा गया है। हेमंत सोरेन ने भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए जवाब में उनकी मां रूपी सोरेन की गंभीर बीमारी के इलाज में व्यस्तता का हवाला देते हुए कहा कि वे लगातार हैदराबाद में रहने के चलते आयोग के नोटिस का अध्ययन नहीं कर सके। अब जबकि हेमंत सोरेन ने आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए एक महीने का समय मांगा है, ऐसे में सबकी नजरें आयोग की ओर से उठाए जाने वाले अगले कदम पर टिक गई है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने विशेष दूत से चुनाव आयोग को अपना जवाब भेजा। हेमंत सोरेन की ओर से समय मांगे जाने के बाद निर्वाचन आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है, ये देखना अहम होगा। इस जानकारी से जुड़े रहने के लिए, हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहें आप जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।